भक्त, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। निर्मल बाबा, तस्वीर किसकी रखते हो जेब में? भक्त, नरेंद्र मोदी जी की। निर्मल बाबा, दिग्विजय सिंह की तस्वीर रखा करो जेब में, कृपा वहीं से रुकी हुई है। एक हरियाणवी ने चाइना में चाय की दुकान खोली, नाम रखा हरियाणा टी स्टॉल। दुकान ज़्यादा दिनों तक नहीं चली तो किसी ने सलाह दी, अगर चाइना में तरक्की करनी है तो नाम भी चाइनीज रखो। अब उसकी दुकान अच्छी चल रही है क्योंकि दुकान का नाम रखा है ताती ताती चा फू फू करके पी। नेपाली नौकर सुबह सुबह, ओ साहब जी मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान कि अब क्या करूं, इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही खराब होना था क्या? नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी, पागल है क्या, करवाता हूं शाम तक ठीक। नौकर, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूं साहब जी। दुकान पर बोर्ड था कि शुद्ध हिंदी में वस्तु मांगने पर 20% की छूट। ग्राहक, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मुख विषाणु आगमन निर्गमक अवरोधक मुख ओष्ट नासिकादि रक्षणार्थ कर्ण द्वय समर्थित युगल हेतु द्विवस्त्र पट्टिका दीजिए। दुकानदार, भाई अंग्रेजी में ही बता दो, मैं 50% तक की छूट दे दूंगा। ग्राहक, मास्क चाहिए भैया। मरीज, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद भी सुकून से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। पति ने 2010 में 4 लाख रुपए की कार खरीदी थी, पत्नी ने 4 लाख रुपए के गहने लिए, आज कार की रीसेल वैल्यू 1 लाख और पत्नी की ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू 16 लाख रुपए है। तो ध्यान दीजिए, अपनी पत्नियों को खरीदारी करने से कभी ना रोके, कड़वा है लेकिन सच भी। फ्रेंड्स, थोड़े ठंडे दिमाग से शांति के साथ सुनिए। राजा दशरथ ने कैकेयी का कहना माना, चाहे प्राण भी त्यागने पड़े लेकिन आज पूजे जाते हैं। राम जी ने सीता जी का कहना माना और हिरण के पीछे चल दिए, फिर चाहे रावण से भिड़ना पड़ा और आज पूजे जाते हैं। लेकिन रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना और मारा गया और आज जलाया जाता है। इसलिए बगैर अपना दिमाग लगाए सीधे सीधे पत्नी का कहना माने और अपना जीवन सुखमय एवं यशस्वी बनाए। आगे आपकी मर्जी।